three, four. अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बढ़ते हुए पेट से हर कोई परेशान है। बढ़ता हुआ पेट किसी को भी अच्छा नहीं लगता। पेट के साइडों पर लटकती हुई चर्बी इंतहा की बुरी लगती है, और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा जो है वो टोटके इस्तेमाल करते हैं। कुछ घर के बने हुए कुछ मेडिसन्स भी हम लोग यूज़ करते हैं, और कुछ लोग तो सर्जरी की तरफ भी जाते हैं। लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पर आज एक इंतहाई आसान सी रेमेडी जो है वो शेयर कर रही हूँ, जिसे अगर आप अपने डेली जो है खाने के बाद इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो आपके पेट की चर्बी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, पिघलने लगेगी, और आपकी बॉडी जो है वापस उसी जो है शेप में आ जाएगी। सबसे पहले तो ये है कि आपको अपनी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मीठे का इस्तेमाल कम करना है, फास्ट फूड जो है वो कम कर देने हैं। उसके बाद आप अपने दोपहर के खाने में और रात के खाने के बाद अगर आप इस ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। उसके लिए आपको सिंपल सी दो से तीन चीज़ें चाहिए जो आपके घरों में आम इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले आपको सूखा हुआ आलू बुखारा चाहिए, ये भी तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, और आपको इमली चाहिए, इमली भी तकरीबन जो है वो हर घर में मौजूद होती है। उसके बाद आपने एक सॉस पैन लेना है, सॉस पैन को आपने चूल्हे के ऊपर रखना है, उसमें एक से दो ग्लास जो है वो पानी के डालने हैं। पानी जैसे ही बॉयल होने लगेगा तो उसमें ये देखें इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो आपने तीन से चार जो है वो सूखा हुआ आलू बुखारा अगर आपके घर पे मौजूद नहीं है तो किसी भी पंसार की शॉप से या किसी भी स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर आपने दो से तीन जो है आपने आलू बुखारे सूखे हुए वो डालने हैं, दो से तीन जो है आपने उसके पीस जो है इमली के डालने हैं, और उसके साथ ही दो से तीन जो है छोटी इलायची जो हम चाय में इसका इस्तेमाल करते हैं वो आपने इसमें डाल देनी है, ताकि इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आ जाए। और आपने इसको अच्छे से पकाना है, इसे उस टाइम तक पकाना है जब तक ये पानी जो है आपका आधा कप या एक कप आपका पानी ना रह जाए, आलू बुखारे और इमली का सारा असर जो है वो पानी में जो है वो निकल जाए। ये रेमेडी इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आप इसको रेगुलर अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है आपके पेट की चर्बी जो है जो वो पिघलना शुरू हो जाएगी, आपका पेट जो है अपने शेप में वापस चला जाएगा। उसके साथ साथ आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी जो चर्बी है वो भी जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। ये देखें यहाँ पर पानी अच्छे से पक चुका है, अब सिर्फ मेरे पास आधा कप पानी का बाकी रह गया है। मैं इसे अच्छे तरीके से छान लूँगी, आपने गुठली अलहदा कर लेनी है, उसके गूदे को भी अच्छे से मसल के आपने उसमें जो है वो निकाल देना है। ये देखें ये ड्रिंक मेरे पास मौजूद है, अगर आपको इसका टेस्ट ऐसे अच्छा ना लगे तो आप इसमें एक चम्मच जो है वो शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और डेली अपने रूटीन में शामिल कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया साथ बने रहने का, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें।